बात आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आपको थैंक यू और मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी लुक चेंज हो चुका है काफ़ी लुक में कुछ बताइए आपके लुक क्या रहे काफ़ी अनोखे मतलब चेंज होते जा रहे हैं जैसे जैसे प्रगति मिल रही है जी यू आर बिकमिंग चेंज ये ऐसा हो रहा है कि आर्ट के साथ साथ मैं मतलब अपने काम के साथ साथ मैं ना सारी चीज़ों में इंसान चेंज होता है अगर आप अपने प्रोफेशन को लेके अगर और बेटर होते हो तो धीरे धीरे आउटफिट वगैरह और क्या पहनना है क्या नहीं कैसे रहना है कहाँ रहना है सब चीज़ें मतलब खुद ब खुद एनवायरनमेंट आपका ठीक हो जाता है और रहने सहने का तरीका सब कुछ बदल जाता है तो वही हुआ मैं पहले फॉर्मल पहनने वाला लड़का अभी ऐसे आउटफिट में मतलब हूँ तो वो चीज़ें रहती है कि धीरे धीरे जैसे बेटर होते रहते हैं अपन वैसे चेंज हो जाते हैं लाइफ चेंज हो चुकी है अभी आप एक बड़े स्टार बनते जा रहे हैं उस लाइन में आप लग गए उस रेस में आप लग गए आप कैसे देख रहे हैं आपकी जर्नी को मैं ना हमेशा से इस चीज़ को लेके बहुत उतावला रहता हूँ कि मैं एज अ ऑडियंस देखूं कि मैं मतलब कैसा दिख रहा हूं मतलब जहां मैं जो लेवल पे या जो मैं अभी जहां हूं मैं जिस स्टेट पे मैं हूं जैसे मैं गाने निकाल रहा हूं जैसे काम कर रहा हूं तो मैं हमेशा से ना एज अ ऑडियंस बन के मैं अपने आप को देखने का सोचता हूं कि मैं कैसा मैं एम आई डूइंग गुड और नॉट मतलब ये सारी चीज़ें मैं मतलब सोचता हूँ कभी कभी तो बस यही है कि अल्लाह का शुक्र है जो भी है मालिक का करम है जैसे भी कर रहे धीरे धीरे और करते रहेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोगों की दुआ रहेगी आप लोगों का साथ रहेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह करते रहेंगे और अदनान का काफ़ी हेल्प भी रहा हमको अरे तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे अदनान हमेशा आपको सपोर्ट करते रहे नए सॉन्ग के लिए मेरा भाई ऐसा है कि मेरा भाई है साथ में मेरे दोस्त है साथ में सबसे बड़ी बात मेरी फैमिली है साथ में ठीक है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा रब है मेरे साथ में जब इतने लोग मेरे साथ में तो मैं क्यों पीछे हटूं मैं ये सोचता हूँ कभी कभी लिखते लिखते इंसान जब डीप थिंकिंग में जाता है ना तो मैं ये सोचता हूँ कि नहीं यार हार क्यों मानने का मतलब हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब अपनों से अपने को सपोर्ट मिल रहा है तो बाकी लोग कुछ भी बोले कुछ भी रहे अपने को किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए तो ये चीज़ें हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ मेरा भाई बहुत करता है मेरे लिए मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस किया हूँ मैं बोल नहीं पाता हूँ वो चीज़ खुल के लेकिन मेरे दिल में बहुत है कि मेरा भाई मेरे लिए बहुत करता है मेरे बोलने वाली बात नहीं वो आप लोग भी देखते हो कि कितना करता है मेरा भाई मेरे लिए तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मेरे से अभी जितना होता है मैं करता हूँ और इन फ्यूचर में मेरे से जितना होगा मैं उतना करता रहूँगा इंशाल्लाह मेरे भाई के लिए ज़रूर ये गाना मेरे को बहुत मज़ा आया मतलब LP के ये गाने का वाइब बहुत अच्छा था मतलब एक तड़क भड़क वाला वाइब होता है ना बॉलीवुड देसी टाइप का मतलब इंडियन म्यूज़िक जो प्रॉपर होता है वैसे टाइप का वाइब था कि बैठा नहीं रह सकता इंसान नाचेगा झूमेगा मतलब ऐसा गाना था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड अदनान भाई और सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन गाने के लिए कोलैबोरेशन नहीं अभी मतलब बात हुई है अभी हम लोग देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट्स को लेके बैठेंगे हम लोग मतलब अभी तो बात हुई है हम लोग की बट इनका वाइब बहुत अच्छा है LOC भाई का दिल्ली वाला वाइब है और अपना मुंबई वाला वाइब है तो मुंबई दिल्ली कॉम्बिनेशन यू नो कैसा लगेगा एकदम अलग तो हम लोग बैठेंगे कुछ कंपोज करेंगे कुछ चीज़ें देखेंगे मज़ा आएगा हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर इंशाल्लाह काम ऐसा ये कहना चाहूँगा कि तुम लोग हो तुम लोग की वजह से जो हूँ मैं हूँ बाकी अल्लाह का करम है और दिल नरम है दिमाग गरम है बस बाकी बहुत सारा प्यार थैंक यू सो मच थैंक यू